किया जाता है। तो एक और एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे कार्बन की स्केलेटन और लास्ट में OH जुड़ा हुआ है, तो OH का मतलब है और हम लोग जोड़ते हैं। अब हमको नंबरिंग सीखना है कि OH इधर से फर्स्ट पढ़ रहा है तो उसको फर्स्ट बोला, सेकेंड ये थर्ड, ये कार्बन तीसरे नंबर का हो गया, तो तीन कार्बन मतलब प्रोप हो गया, ठीक है, मेथ एथ और प्रोप, ठीक है, प्रोपेन हो गया क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है सारे, तो प्रोपेन वन पोजिशन पे और जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन प्लस, प्रोपेन प्लस क्या होगा, ऑल वर्ड जोड़ देंगे, ठीक है, वन पोजीशन पे, या फिर सीधे लिख दीजिए वन ऑल। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो भी वॉवल्स के लेटर्स हैं जहां कहीं भी यूज होंगे, वॉवल्स में क्या है, ए ई आई ओ और यू, ये वॉवल्स है, कॉन्सोनेंट में वाई, अगर ये आते हैं तो ई को इमिट कर देते हैं, ठीक है, जैसे ई यहाँ पे आ रहा है ना, प्रोपीन प्रोपेन, तो इसका ई इमिट हो जाता है, इसको हम लोग बोल देंगे प्रोपेन वन ऑल कर देंगे, इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल, वन को आप नहीं भी बताइए तो क्या हो जाएगा, नेमिंग इसका हम लोग समझ जाएंगे, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन ऑल हो गया, प्रोपेन ऑल हो गया, ई हट गया ऑल जुड़ गया है ना, प्रोपेन प्रोपेन ऑल या वन ऑल कर दीजिए, वन ऑल, ठीक है, वन की पोजीशन बताना उतना जरूरी नहीं है पर हम लिख देते हैं, ठीक है, प्रोपेन वन ऑल हो गया, ये फर्स्ट एग्जांपल पिक कर लिया हम लोगों ने, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार कार्बन है मतलब ब्यूटेन हो गया, ठीक है, ब्यूटेन में वो भी ध्यान दीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओन का मतलब क्या हो, कीटोनिक ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा, ओन वर्ड यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ब्यूटेन ब्यूटेन, ठीक है, क्या होगा, ब्यूटेन होगा और टू पे ओन आ जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन प्लस टू पे क्या आएगा, ओन वर्ड, कीटोन का ओन वर्ड आता है ना, ओ एनी, कीटोन का ओ एनी वर्ड हो जाएगा, तो ब्यूटेन ये ई वर्ड यूनिट हो जाएगा, है ना, मैंने अभी सिखाया ना आपको ब्यूट ई टू ओन, तो इसको आप पूरे एक साथ लिख दीजिए, म्यूटे टू और ओ एन ई टू ओन, ठीक है, ब्यूटे टू ओन, ब्यूटे टू ओन हो गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट हम लोग एल्डिहाइड वाला के एग्जांपल ले रहे हैं, एल्डिहाइड कैसे, सी एच ओ ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब समझिए एल्डिहाइड, इसको नंबरिंग देंगे वन टू थ्री, थ्री कार्बन की स्केलेटन हो गई, तो प्रो, ठीक है, प्रोपेन हो गया, मेथ प्रो, तीन कार्बन मतलब प्रोपेन हो गया, वन पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, तो अल, एल्डिहाइड में क्या जोड़ते थे, अल ग्रुप जोड़ते थे, तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, कैसे लिखेंगे, प्रोप, ठीक है, प्रोपेन है ना, ये भी क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन प्लस वन है ना, ऑल, प्रोपेन ऑल, ठीक है, अल वर्ड जोड़ दिया, अब इसको हम ई को मिटाना पड़ेगा, आप लोग पढ़ते हो इसका नाम, तो प्रोपे वन ऑल, ठीक है, प्रोपेन प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल बोल देते हैं इसको, प्रोपेनॉल वन ऑल, ठीक है, दोनों को सेपरेट करते हैं ऐसे डैश वाली लाइन से, दोनों को सेपरेट करते हैं, प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेनॉल, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट ये देखिए ईथर है, ये एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड था, ऊपर वाला क्या था, कीटोन था, ये ऊपर वाला क्या था, अल्कोहल लिया था, ठीक है, अल्कोहल ले लिया, अब हम यहाँ पे देखिए सी आर ओ आर मतलब ईथर को यूज कर रहे हैं, ईथर वाला एग्जांपल देख रहे हैं, सारे एग्जांपल आ जाएंगे मोस्टली, सेकंड भी ईथर का एग्जांपल है, ईथर, ईथर हो गया, और लास्ट वाला क्या है, ईस्टर का एग्जांपल है, मैं इसको बताती हूँ लास्ट में, ईस्टर का सबसे लास्ट वाला ईस्टर एग्जांपल है, ये क्या है, मैथिल, देखिए यहाँ पे वन पोजिशन है, टू थ्री जो भी बीच में क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, कोई लंबी स्केलेटन एक साथ नहीं जुड़ी है, तो इसको हम मेथिल मेथेनोइड बोलते हैं, एथिल एथेनोइड, ठीक है, तो ये मेथिल ग्रुप हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन हो गया, ये इस वाले कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन हो गया, मिथॉक्सी ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, जो वो क्या होगा, छोटी वाली स्केलेटन को हम किसमें ऑक्सीजन के साथ नेमिंग कर लेते थे, तो एल्कोक्सी एल
एल्केन, ठीक है, ये एल्केन हो जाएगा। तो ये CH3S का मतलब मेथॉक्सी इथेन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी 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 क्या बोलेंगे, इथेन, मेथॉक्सी इथेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, दोनों मेथॉक्सी मेथॉक्सी है, इसको बोल देंगे मेथॉक्सी, कैपिटल एम लिखिएगा फर्स्ट लेटर, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन हो गया, इस कंपाउंड का नाम मेथॉक्सी मीथेन हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे C2H5 हम इसको लिख देते, C2H5 लिख देते, C2H5 ये भी हो जाता, तो इसको क्या बोल देते, एथॉक्सी इथेन। दूसरे वाले एग्जाम्पल में मेरे को इसको क्या बोल देते, इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन, स्मॉल लेटर इथेन, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता, बहुत सारे एग्जाम्पल इसको बना सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए CH3 होता, इधर C2H5 होता, तो क्या करते, मैं यही से एग्जाम्पल पिक कर रही हूँ, CH3 मैं बोल रही हूँ एक तरफ, CH3O C2H सी, मैं मान लीजिए CH3H7 कर देती, ठीक है, तो क्या होता है, मेथॉक्सी, ये छोटी वाली स्केलेटन थी तो इसको इसी को मेथॉक्सी बोलते, प्रोपॉक्सी नहीं बोलते, ठीक है, मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया, ठीक है, मेथॉक्सी मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया, ठीक है। और वैसे कॉमन नेम क्या होते हैं, मेथिल प्रोपिल ईथर, इसको बोलते हैं डाईएथिल ईथर, इसको बोलेंगे मेथिल एथिल ईथर, ये ईथर का कॉमन नेम हो गया। एक हमारा ये ईस्टर वाला एग्जांपल बच रहा है, ईस्टर के नोमेनक्लेचर में क्या होते हैं, इसमें हम लोग क्या होते हैं, मेथिल प्रोपेनोइड बोलेंगे, ये मेथिल ग्रुप है मेथिल, और ये कितने कार्बन है, 1 इसको बोलेंगे, 2 इसको बोलेंगे, 3 इसको बोलेंगे, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, है ना, मेथिल प्रोपेनोएट, ठीक है, ईस्टर में क्या है, प्रोपेनोइड बड़ी हो जाएगा, तो इसको बोलोगे मेथिल प्रोपेनोएट।